यमुनानगर के बेलगढ़ गांव में माइनिंग को लेकर हुई फायरिंग के मामले में जेल से रिहा होते ही पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने फिर से उसी जमीन को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी जमीन पर रास्ता बनाने की बात कही तो इसको लेकर वे आंदोलन करेंगे और धरने पर भी बैठ जाएंगे। निर्मल सिंह का कहना है कि जमीन पर रास्ते को लेकर उन्होंने किसी पर फायरिंग नहीं की और ना ही वो उस दिन अपने फार्म हाउस पर थे। वहीं निर्मल सिंह ने कहा कि उन्हें जानबूझकर माइनिंग माफिया ने इस केस में फंसाया है। और जब वहाँ पे जमीन के राइट्स की बात हुई तो आइसोलेटेड प्लेस है यमुना का, वहाँ एक बांध है, बांध के नीचे गांव है जिन पे हमेशा ही बाढ़ का खतरा मंडराता है। वहाँ की ज़मीनें भी पहले विलुप्त हो जाया करती थी, अब वहाँ कोई खनन के लिए या इन कामों के लिए रास्ता नहीं है और ना ही वहाँ कोई सरकारी रास्ता है। जिस ज़मीन पे इन्होंने ये दंगा मुस्ती की थी तो यह ज़मीन हमारी है, मेरे पर तो झूठा मुकदमा रजिस्टर किया है इन्होंने। ना मैंने नहीं चलाई और ना ही मेरा वेपन और ना ही मैं ठीक, मैं तो दिल्ली में की तरफ रास्ते में था। इन्होंने ना इन्होंने पूरा रज के उसको झूठा घड़ा और मेरे को टारगेट किया। आपको बता दें कि 25 अप्रैल की रात खिजराबाद के बेलगढ़ गांव में रात के समय पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने माइनिंग को लेकर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह सहित कई लोगों पर मारपीट, लूटपाट, इरादतन कत्ल और आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी भेज दिया था। लेकिन जेल से छूटने के बाद अब निर्मल सिंह वापस अपनी जमीन पर अपना पक्ष रख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़।